करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी ब्लैंक सेलेक्ट कर ली है और दोस्तों आप सभी को देख सकते हो दोस्तों ये लिखा रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट इन SBI बैंक विद योर मोबाइल नंबर। गाइस मैं आप सभी को बता अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है गाइस, मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज करके मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा आप। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ यदि आपका भी पेटीएम पर पेमेंट अकाउंट लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारी दोस्तों आपकी कवर अप करूंगा दोस्तों जो प्रॉब्लम हुई आपको बैंक अकाउंट लिंक करने में आ रही है दोस्तों, आपको बिल्कुल लाइव दोस्तों सब कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है जहाँ दोस्तों मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज करके दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों उसका सोल्यूशन मैं बिल्कुल लाइव दूंगा। इसलिए गाइस वीडियो को फुली वॉच जरूर करना क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और गाइस हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर हर रोज आती रहती है। तो गाइस मेरा नाम है C2 और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फैक्टवर्स 91। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, दोस्त आप सभी को मैं दिखाता हूँ दोस्तों मुझे भी क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों अपना बैंक अकाउंट लिंक करने में। तो गाइस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर लिंक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं अपनी बैंक सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी ब्लैंक सेलेक्ट कर ली और दोस्तों आप सभी को देख सकते हो दोस्तों ये लिखा रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट इन SBI बैंक विद योर मोबाइल नंबर। गाइस मैं आपसे बता दूं दोस्तों जो मेरा बैंक मोबाइल नंबर है ये दोस्तों SBI में एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, बट दोस्तों मेरे जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं हो रहा दोस्तों, यही दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है गाइस, बहुत ज़्यादा कमेंट भी मेरे पास आते रहते हैं दोस्तों, इसी का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसका प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, आपको यदि बैंक अकाउंट पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बट यदि आपका पैन कार्ड वहाँ नहीं लिंक है तो दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है कभी कभी लिंक नहीं होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अपनी जहाँ बैंक में जाना है दोस्तों अपनी जो कैरी जो KYC होती है गाइस उसे रीवेरीफाई कर देना, उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस मैं बता दूँ यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि दोस्तों आप जब बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको UPI जनरेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो गाइस मैं बता दूं दोस्तों आपको UPI जनरेट करने में दोस्तों UPI क्रिएट करने में दोस्तों आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों उसके लिए आपका ATM कार्ड होना दोस्तों वो एक्सपायर भी हो सकता है या फिर दोस्तों आपको एनी दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने जो अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है गाइस मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज कर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उस दोस्तों व्हाट्सअप नंबर पर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता दूं उस पर ओनली व्हाट्सअप ही करना है, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। तो गाइस यदि आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो दोस्तों मैं वहाँ से उसे हटा दूंगा, इसलिए गाइस मैं आपसे भी आशा करता हूँ आप डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे दोस्तों। आप व्हाट्सअप के थ्रू आप दोस्तों बात कर सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं उस प्रॉब्लम का। और गाइस यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों आपको फिर मैं डायरेक्ट कॉल भी आपको करके बता दूंगा आपको बिल्कुल लाइव दोस्तों। इसलिए गाइस मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर हर रोज आती है। तो गाइस थैंक यू।